फ्रेंड्स, अली मोहम्मद खान एक मशहूर पाकिस्तानी सियासतदान हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान की सियासी जमात पीटीआई से है। अली मोहम्मद खान ने 17 सितंबर सन 2018 से अप्रैल सन 2022 तक पार्लिमानी अमूर के वजीर मुमलिकत के तौर पर खिदमात सर अंजाम दी हैं। एज अली मोहम्मद खान 30 नवंबर 1977 बरोज़ बुध को केपीके के ज़िला मर्दान में पैदा हुए। इनकी उम्र 44 साल है। फैमिली अली मोहम्मद खान के दादा मोहम्मद वकील मुस्लिम लीग के सहत हामी थे और वो क़याम पाकिस्तान के बाद दो बार वफाकी वजीर रह चुके हैं। इनकी फैमिली में इनकी वाइफ, इनका एक बेटा और एक बेटी हैं। एजुकेशन अली मोहम्मद खान ने इंजीनियरिंग और LLB की डिग्री मुकम्मल की है, लिहाजा पेशे के लिहाज से वो एक वकील और इंजीनियर हैं। अली मोहम्मद खान की नेटवर्थ 1.5 मिलियन US डॉलर है। पॉलिटिकल करियर अली मोहम्मद खान सन 2013 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के तौर पर पाकिस्तान की कौमी असम्बली में शामिल हुए और पाकिस्तानी आम इंतबात में हल्का NA10 मर्दान से PTIA के उम्मीदवार के तौर पर 46,531 वोट हासिल करके जमीयत उलमाए इस्लाम F के उम्मीदवार को शिकस्त दी। इसके अलावा आजकल अली मोहम्मद खान की कौमी असम्बली में फेमस स्पीच और पोइट्री ट्रेंडिंग पर है, जिसमें उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि इमरान खान असम्बली में 2/3 अक्सरियत के साथ वापस आएंगे। सो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।